नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बता रहे हैं सितंबर महीने का तुला यानी लीब्रा राशि का भविष्यफल। आपकी राशि से बहुत ही सुखद स्थिति यह है कि बृहस्पति तो यहां पर था ही तुला में और शुक्र भी 1 तारीख को बृहस्पति को ज्वाइन करेगा और शायद बृहस्पति के सौजान में या बृहस्पति के दौरान में तुला में पहली बार ही ज्वाइन कर रहा है, तो ये बहुत शुभ स्थिति आपके लिए। इसके अलावा जो शनि है वो आपकी राशि से तृतीय भाव में है, वो डायरेक्ट भी हो रहा है और मंगल की स्थिति भी आपकी राशि से थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन राहु बहुत अच्छा है। राहु जो है आपकी राशि से दशम भाव में है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 70-80% जो गोचर के ग्रह हैं वो आपकी राशि से अच्छे हैं और सूर्य जो है एकादश भाव में है 16 सितंबर की रात तक। तो अगर हम बात करें परिणामों की, तो यह जो महीना है इसमें आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपकी विचारधारा में एक आमूलचूल परिवर्तन आप स्वयं देखेंगे। आपको एहसास होगा कि जिस माहौल की आप तलाश कर रहे थे, जो वातावरण आप निर्मित करना चाह रहे थे, अब वो प्रभु की कृपा से या आकाश की कृपा से, हम आकाश बोलना पसंद करते हैं क्योंकि आकाश में ही सब छुपा हुआ है, तो आकाश आपके साथ है ऐसा मान के चलें। तो आकाश बरसने के मूड में है, पूरा मेहरबान है, आपसे पूरा कनेक्ट कर रहा है और जब आकाश कनेक्ट करता है व्यक्ति से या उसकी राशि से, तब उसमें स्फूर्ति रहती है, नयापन करने का मन होता है और एक रेडिकल चेंज का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये कुंडलियाँ, ये स्थिति कुंडली में भी है तो 100% ये जो मैं बोल रहा हूँ वो हो जाएगा। कई बार हमारी कुंडली इससे मैच नहीं करती, तब थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन उसके बाद भी गोचर के परिणाम अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लाभजन्य स्थितियाँ निर्मित होंगी और किसी लाभजन्य योजना में प्रवेश भी कर सकते हैं। नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन महीना है, आपके प्रयासों की लोग सराहना करेंगे, जहाँ भी आप काम करते हैं वे लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपको नई जिम्मेदारियाँ देंगे, जिससे एक तो आपका मनोबल बनेगा, बढ़ेगा भी, और जिस संस्था या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हैं वहाँ पर आपका सम्मान, मान, सत्कार, ये सारी स्थितियाँ आपके पक्ष में निर्मित होंगी और बिल्कुल फोकस होकर आप अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे बढ़ते ही चले जाएंगे एकदम से। जिस भी काम को आप शुरू करेंगे उसमें आपको असफलता नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ एक दो ग्रह इधर उधर हैं, तो उसका मतलब यह हुआ कि कभी कभी जैसे आप हाईवे पे जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, GPS अगर आपने ऑन ना किया हो, ऐसी स्थिति हो सकती है, तो अपना GPS ऑन रखिएगा मस्तिष्क का, तो उससे आपको उसमें लाभ होगा, नए लोग मिलेंगे, नए संबंध बनेंगे। यात्राओं की दृष्टि से बहुत अच्छा महीना है, जो लोग स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं उनके लिए विशेष रूप से ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड से हैं, राइटिंग से हैं, सिनेमा से हैं, TV से हैं, डांसिंग से हैं, म्यूज़िक से हैं या और किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। पारिवारिक दृष्टि से सुखद एनवायरनमेंट रहेगा, प्रेम प्रसंगों में काफ़ी स्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और अगर पति पत्नी को लेकर बीच में कोई तनाव की स्थिति बनी रही होगी तो वो उसको भी आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही सहयोगी मंथ आया है, महीना आया है, इसका लाभ उठाएं। देखते रहें अजय भांबी चैनल ABC, इसे पसंद करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब भी करें।
नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के यूट्यूब चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।